जय हिंद साथियों, मैं महेंद्र सिंह चौहान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य फोर्स एकेडमी में। वो दोस्तों बहुत ही दिनों के बाद आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन वीडियो इतना ज़बरदस्त है कि इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि जो 2021 का हमारा जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, वो तमाम हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आप जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 43 यानी कि 43 जो मिनिस्टर्स हैं वो हमारे यहाँ पर नए बने हैं और उनका सभी का अलग अलग विभाग है, विभाग के भी फेरबदल हुए हैं दोस्तों, तो ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कि कौन कौन से, पहले उनके नाम हम लोग यहाँ पर देख लें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले है नारायण राणे, इसको थोड़ा सा हम लोग स्पीड में निकालेंगे और आगे इनके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। दूसरा है सर्वानंद सोनोवाल, तीसरा है वीरेंद्र कुमार। तो दोस्तों यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर भी मिलेंगे इस वीडियो में, और साथ में आपका जो है यहाँ पर जो लिस्ट आपकी दिखाई दे रही है इसमें आपके जो है यहाँ पर स्टेट मिनिस्टर यानी कि राज्य मंत्री भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 15 तक आपके यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर चल रहा है और 16 आप देख रहे हैं राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री भी यहाँ पर दोस्तों बनाए गए हैं, तो ये भी आप लोग को यहाँ पर याद करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मंत्रियों की सूची इस प्रकार है, ठीक है। तो वहाँ पर 43 आपको मंत्रिमंडल में आप देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में देखेंगे दोस्तों, इसके बाद आपके राज्य मंत्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले मंत्री आपको दे रखे दोस्तों वो हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, जैसे कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी। अब इनके पास कौन कौन सा विभाग है, तो इसको आप जो है थोड़ा सा नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इनके पास जो विभाग है दोस्तों वो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, दूसरा है अंतरिक्ष विभाग, तीसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग, और चौथा है सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी पोर्टफोलियो जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। तो ये जो विभाग है दोस्तों ये इनके अंडर में है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो ऊपरी आपका था दोस्तों, अब जो यहाँ से देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल इस प्रकार है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरा है अमित शाह, तो हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये गृह मंत्री है और साथ में सहकारिता मंत्रालय इनका विभाग है। अगला है राजनाथ सिंह, तो ये रक्षा मंत्री है दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा बदलाव नहीं हुआ है। तीसरा है नितिन जयराम गडकरी जी, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। चौथा है श्री नारायण तातू राणी, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय के मंत्री है। अगला है श्रीमती निर्मला सीतारमन, तो हम सभी जैसे कि जानते हैं कि वित्त मंत्री और साथ में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय इनके अंडर में है। सातवें दोस्तों श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का इनका विभाग है दोस्तों। अगला है श्री सर्वानंद सोनोवाल, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ के राज्यपाल या मुख्यमंत्री क्या थे और किस राज्य के थे, ये आपको बताना है। इनका विभाग कौन सा है, तो बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय है, और दोस्तों आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के अंडर में दिया गया है। अगला है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दोस्तों, तो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय इनका विभाग है दोस्तों, तो ये भी याद रखना है। अगला है श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि या एस जयशंकर भी आप याद रख सकते हो दोस्तों, तो विदेश मंत्रालय। अगला है दोस्तों श्री रामचंद्र प्रसाद, तो दोस्तों ये इस्पात मंत्रालय के मंत्री है, तो ये भी याद रखना है। श्री अर्जुन मुंडा दोस्तों, तो जनजातीय मंत्रालय, आदिवासी जो हम लोग जानते हैं दोस्तों उनके मंत्री है, तो ये भी आपको याद रखना है। यदि यहाँ से अगली चीज़ हम लोग देखें दोस्तों, तो 13वां नंबर का आपको दे रखा है कि श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, तो इनको जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ से MP की एग्ज़ाम के लिए कि मनसुख मंडाविया कौन है दोस्तों, ठीक है, तो मनसुख मंडाविया जो है दोस्तों स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री है दोस्तों, ये भी याद रखना है। और साथ में रासायनिक उर्वरक मंत्रालय के मंत्री है, तो ये भी याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। इससे पहले कौन थे दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे दोस्तों, अब ये बदल दिए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। 15वां आप देखें दोस्तों, तो 15वां है श्री अश्विनी वैष्णव, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके रेल मंत्री है, संचार मंत्री है, और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी यही है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। रेल मंत्री जो है दोस्तों पीयूष गोयल नहीं है, पीयूष गोयल बदल दिए गए दोस्तों, और ये अश्विनी वैष्णव है, तो याद रखिएगा। 16वां जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो पहले पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे, वर्तमान में कौन क्या भार इनको दिया गया दोस्तों, तो कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और साथ में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री है। अगला है ये भी इम्पोर्टेंट है, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय यानी कि शिक्षा विभाग इनको दिया गया दोस्तों, शिक्षा मंत्री है, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले इनके पास क्या भार था दोस्तों, तो इसके पहले जो था दोस्तों इनको गैस एवं पेट्रोलियम, ठीक है दोस्तों,
पेट्रोलियम मंत्री थे दोस्तों, इससे पहले तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है श्री मुख्तार अब्बास नकवी, तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पर श्री प्रहलाद जी जोशी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय और संसदीय मामलों के मंत्री, तो इनने यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ है, कोयला मंत्रालय के मंत्री है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। फिर यहाँ से आगे बढ़ते दोस्तों, तो 20 और वेरी इंपॉर्टेंट है एमपी के एग्ज़ाम के लिए, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उड्डयन क्या होता है दोस्तों, तो जो उड़ाने होती है, ठीक है दोस्तों, ये उनके विभाग के मंत्री है, तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले कौन थे दोस्तों? तो हरदीप सिंह पुरी। कौन थे दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी जी जो थे वो थे उड़ियन मंत्रालय के मंत्री दोस्तों, लेकिन अब चेंज हो गए और कौन बन गए हैं? ज्योतिरादित्य जी सिंधिया। बहुत मेहनत की है इन्होंने दोस्तों, तो ये आप सभी याद रखिए। अगला है श्री गिरिराज सिंह दोस्तों, तो गिरिराज सिंह से आप याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय इनका विभाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग, तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत तो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है, तो यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। श्री पशुपति कुमार दोस्तों, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के इनके विभाग है दोस्तों, तो याद रखिएगा। 24वां श्री किरेन रिजिजू, तो कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री है दोस्तों, तो ये भी याद रखना, और खेल मंत्री भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, कानून एवं न्याय मंत्रालय। इससे पहले ये मंत्रालय, ये विभाग किसके अंडर में था दोस्तों? तो पंडित रविशंकर, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए 25वां है श्री राजकुमार सिंह का, तो विद्युत मंत्री और साथ में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री, ये भी कौन है दोस्तों? राजकुमार सिंह है, विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री दोनों इन्हीं का विभाग है दोस्तों। आगे हम देखते हैं यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हरदीप सिंह पुरी के पास पहले उड़ियन मंत्रालय था, जो कि वर्तमान में ज्योतिरादित्य जी सिंधिया के पास है। अब इनके पास कौन था? तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, जो कि पहले किसके पास था दोस्तों? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था दोस्तों, और अब किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास है। अगला है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, भी इन्हीं के अंडर में इनको स्वीकृत किया गया है। अगला है श्री भूपेंद्र यादव दोस्तों, तो मंत्रालय और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन, साथ में श्रम रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं को स्वीकृत किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, तो भारी उद्योग मंत्री है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है, महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री। अगला है श्री पुरुषोत्तम रूपाला, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन। डेयरी पालन आप देख सकते हो दोस्तों, पहले गिरिराज सिंह जी को दिया गया था, किनको? गिरिराज सिंह जी को दिया गया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ा है, तो आप वीडियो को जो है रिमाइंड करके देख सकते हो दोस्तों। अब ये जो डेयरी मंत्रालय है, ये किसको दिया? पुरुषोत्तम, ठीक है दोस्तों, याद रख सकते हैं। अगला है 30वां श्री जी किशन रेड्डी, तो संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री भी कौन है? किशन रेड्डी जी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला आपको यहाँ पर दे रखा है 31वां श्री अनुराग सिंह ठाकुर, तो दोस्तों श्री अनुराग सिंह ठाकुर युवा है और बहुत ही दमदार है दोस्तों, और साथ में एक यूथ आइकॉन भी है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री है दोस्तों, और साथ में युवा मामले और खेल मंत्रालय भी इनको दिया गया है, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो दोस्तों, जो खेल मंत्रालय है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो ऊपर हम लोग कुछ और पढ़ चुके हैं, तो खेल मंत्रालय जो है दोस्तों, युवा मामले और खेल मंत्रालय किनको दिया गया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर को दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो जो दोस्तों, जैसे कि आप देख चुके हैं, तो ये पूरा मंत्रिमंडल है, ये आपको याद करना है, जो कि आपकी आगामी जितनी भी परीक्षा है दोस्तों, तो एमपी पुलिस स्पेशल जो आपकी आने वाली है, और भी जितनी भी तमाम एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। 1 से 2 नंबर आपके यहाँ से जो है कोई भी नहीं छीन सकता है दोस्तों, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि यहाँ से प्रश्न उठ के आता है। तो वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।